जी दोस्तों, मेरे पास बड़ी ग्रांट्स की जो है वो डिटेल्ड अवेलेबल हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से ग्रांट्स हैं, जिसमें उन इदारों को ये ग्रांट दी जाएंगी जो मुल्कों में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। इसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, सिविक ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और एसोसिएशन भी हैं जो इन एरियाज में काम करते हैं। और इसमें उन्होंने पर प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन एवरेज ग्रांट जो है $50,000 की रखी हुई है, और जो इदारे इसमें अप्लाई करना चाहें और उन्होंने इससे पहले भी अगर कोई काम किया हो मीडिया के इसमें जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के बेहतरी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए, और इसकी जो डेडलाइन है वो है 14 सितंबर है अप्लाई करने की। जी दोस्तों, ये जो नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी है ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए ग्रांट्स देते हैं पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में जो भी इदारे मीडिया रिलेटेड हों, सिविक ऑर्गेनाइजेशन हों या जो तंजीमें हैं, वो जमहूरियत की बेहतरी के लिए, ह्यूमन राइट्स की बेहतरी के लिए और रूल ऑफ लॉ की बेहतरी के लिए अगर कोई काम कर रहे हों या करना चाहते हों तो वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं, और प्रोजेक्ट जो हैं वो NED को जो है वो आप भेजेंगे अप्रूवल के लिए। तो NED की जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक शेयर करता हूँ। आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है और इसमें किसी के ज़रिए से नहीं करना। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने इस वाले से एक मैसेज भी जारी किया है कि कुछ लोग जो हैं वो NED को जो है ना जालसाजी के लिए वो कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या ये है, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग जो है डायरेक्ट जो है NED को जो है अप्लाई करें। तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिंक मैं दे दूंगा इसका, और उसमें डिटेल सारी अवेलेबल हैं कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और उनके लिए प्रपोजल जो है वो कैसे बनानी है, उनकी फंडिंग किस तरह बनानी है। तो उसमें अमाउंट मैंने इंडिकेट कर दिया है कि जो उन्होंने पिछले साल फंडिंग की थी वो एवरेज $50,000 पर प्रोजेक्ट थी। आप इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं और $50,000 से कम का भी बना सकते हैं। शुक्रिया।